मोहम्मद वसीम ने पनामा में होने वाली फाइट अपने नाम कर ली है। मोहम्मद वसीम ने बॉक्सर इवान टेरियोस को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुजीबुल्ला से। मुजीबुल्ला, मोहम्मद वसीम रिंग में पूरे रंग में नजर आए। जी बिल्कुल, मोहम्मद वसीम ने पनामा में हंगामा खड़ा कर दिया है। मोहम्मद वसीम ने एक बार फिर जीत जो है वो अपने नाम कर दी है। पनामा में होने वाले मुकाबले में जो पनामा के ही बॉक्सर थे एवन ट्रिस जूस, उसको तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया है। अब वसीम जो है वो WBC के रैंकिंग में अपनी पहली पोजीशन जो है ना वो बरकरार रखे हुए हैं। मोहम्मद वसीम ने जिस तरह कहा था कि मैं भरपूर तैयारी में हूँ और भरपूर मेहनत की है, और आज मोहम्मद वसीम ने ये फिर साबित कर दिया है कि वो जो है ना वो कौम के हीरो है। अब मोहम्मद वसीम जो है वो अगले जो राउंड है वो उसके लिए जो वर्ल्ड टाइटल के लिए वो भी खेलने के लिए भरपूर तैयारियों में है। मोहम्मद वसीम से जब हमने बात की तो वो काफी खुश और पुरउम्मीद नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि कौम की दुआ एक बार फिर रंग लाई है और मैं एक बार फिर से जो है वो अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखे हुए हूँ। मोहम्मद वसीम इस बार अगर मैं आपको बताऊं तो वो वर्ल्ड पोजीशन में ही पहले नंबर पर है, और बॉक्सिंग काउंसिल में मोहम्मद वसीम सिल्वर टाइटल 2 बार जीत चुके हैं। अब मोहम्मद वसीम जो है वो वर्ल्ड टाइटल के लिए लड़ेंगे और भरपूर तैयारी में है। जी मुझे बोला, बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए आपका।